लिमिट्स एट इन्फिनिटी। लास्ट स्लाइड्स में आप लोगों ने इनफाइनाइट लिमिट्स को डिस्कस किया था, यानी जब आप किसी फाइनाइट पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं तो आपका फंक्शन या तो विदाउट एनी बाउंड इंक्रीज कर रहा है या विदाउट एनी बाउंड डिक्रीज कर रहा है, या आपके पास इनफाइनाइट लिमिट्स थी। अब हम लिमिट फाइंड करें एट इन्फिनिटी, मीन्स इफ एक्स अप्रोचेज एफ इफ एक्स इंक्रीजेज विदाउट बाउंड और डिक्रीजेज विदाउट बाउंड, देन व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ योर फंक्शन एफ। ठीक है, सो दिस इज द लिमिट एट इन्फिनिटी। अब हमने एक लॉ पढ़ा था फॉर फाइनाइट लिमिट, कि जब हमारे हम एक्स को किसी फाइनाइट पॉइंट की तरफ अप्रोच करते हैं तो हमारे पास किसी भी कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट के इक्वल ही होती है। ठीक है, तो सेम यही रूल आपको ये लिमिट एट इन्फिनिटी के लिए भी है। ठीक है, और अगर हम 1/x पे x की लिमिट एज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी लेंगे तो ये आपके पास 0 के इक्वल आएगी, क्योंकि आपके पास x की वैल्यूज जितनी इंक्रीज होती जाएंगी या डिक्रीज होती जाएंगी तो आपके पास वैल्यूज 0 को अप्रोच करेंगी। इफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x इंक्रीजेस विदाउट बाउंड दैट देन वी राइट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड इफ वैल्यूज ऑफ x डिक्रीजेस विदाउट बाउंड देन वी राइट x अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर आप इस ग्राफ को देखें, 1/x का ग्राफ है ये। ठीक है, इसमें अगर x इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है, यानी x इंक्रीज कर रहा है, हम इस साइड को मूव कर रहे हैं, तो आपका फंक्शन किधर जा रहा है? आपका फंक्शन 0 के करीब आता जा रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, उसको टच कभी नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, लेकिन उसके साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0। इसी तरह जब हम एक्स की वैल्यूज को डिक्रीज करते जा रहे हैं विदाउट एनी बाउंड, यानी हम इस साइड को मूव कर रहे हैं, तो हमारा फंक्शन किस पॉइंट की तरफ जा रहा है? हमारा फंक्शन एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, यानी 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों के लिए आपका फंक्शन जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। दीज आर सम लॉज फॉर लिमिट्स। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जिस तरह आप लोगों ने एट फाइनाइट लिमिट्स आप लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो सेम वही लॉज हैं एट इन्फिनिटी। ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट ए पार्ट में देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 + 1/x, यहाँ पे दो फंक्शंस का एडिशन है, तो हम सेपरेटली इन पे लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने सेपरेटली लिमिट अप्लाई किया, कांस्टेंट की लिमिट एज इट इज दैट कांस्टेंट 5 आ गया, और ये लिमिट अभी हमने देखी है 1/x की लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज 0, ये आपके पास 5 इसकी लिमिट आ जाती है। ठीक है, अगर आप इस फंक्शन को देखें, π√3/x² एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1/x² को लिखते हैं 1/x × 1/x, ठीक है, अब हमारे पास ये प्रोडक्ट है डिफरेंट फंक्शंस का। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हम हर फंक्शन पे इंडिविजुअली लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लिमिट्स अप्लाई करने के बाद उनके लिमिट्स का प्रोडक्ट लेंगे, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 1/x की लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इज 0। लिमिट एट इन्फिनिटी ऑफ रैशनल फंक्शंस। अगर आपके पास रैशनल फंक्शंस हैं और आपने लिमिट एट इन्फिनिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपके जो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसकी आपने हाईएस्ट पावर देखनी है कौन सी है। जो भी हाईएस्ट पावर होगी आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देना है। जिस तरह यहाँ पे देखें, आपके पास
डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, तो आपने न्यूमरेटर की हर वैल्यू को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है और डिनोमिनेटर की हर वैल्यू को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है. सो यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, अब इस पे हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है. ठीक है, हर फंक्शन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे. तो 5 इज कॉन्स्टेंट, तो इसकी लिमिट एट इन्फिनिटी एज इट इज 5 आ जाएगी. और यहाँ पे 8 बाय एक्स है, तो 1 बाय एक्स की लिमिट एट इन्फिनिटी इज 0, 1 बाय एक्स स्क्वायर की लिमिट एट इन्फिनिटी इज 0. डिनोमिनेटर की तरफ आए तो 3 इज कॉन्स्टेंट, सो इट्स लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज 3, एंड 2 बाय एक्स स्क्वायर एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज 0. सो वी आर लेफ्ट विद 5 बाय 3. ठीक है, अगर आप इसके ग्राफ को देखें, ठीक है, ये आपके पास इस फंक्शन का ग्राफ है. ठीक है, आप एक्स को लेट सपोज हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, यानी एक्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो आपका फंक्शन देखें, ये लाइन 5 बाय 3 है, वाई इक्वल टू 5 बाय 3, इसके साथ साथ मूव करता जा रहा है. ठीक है, यानी इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, एंड दैट लाइन इज वाई इक्वल टू 5 बाय 3. तो ये आपके पास लिमिट आई है. आप अगर लेफ्ट साइड की तरफ भी मूव करें, यानी अपनी एक्स की वैल्यूज को अगर डिक्रीज करते जाएं विदाउट एनी बाउंड, तो आपका फंक्शन इस साइड पे फिर इसी लाइन को अप्रोच कर. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस है. ठीक है, इस केस में भी आपने सेम क्राइटेरिया अप्लाई करना है. आपने डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देना है, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है. ठीक है, अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास इसकी लिमिट एट इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, इसकी लिमिट एट इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, 2 की लिमिट एट इन्फिनिटी इज 2, और 1 बाय एक्स क्यूब की लिमिट एट इन्फिनिटी इज 0. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लिमिट आ जाती है 0. यानी ये आपके पास ग्राफ है. ठीक है, इसमें जब आप एक्स को माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते हैं, यानी आप लेफ्ट साइड पे अगर मूव करते हैं, तो आपका फंक्शन देखें इस साइड पे एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है. ठीक है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल टू 0, यानी 0 को अप्रोच कर रहा है, सो इट्स लिमिट इज 0. हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, जिस तरह आप लोगों ने वर्टिकल एसिम्प्टोट्स देखे थे, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स में जब आप किसी पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं और आपका फंक्शन विदाउट एनी बाउंड इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो एक्स अप्रोचेस टू दैट पॉइंट, दैट इज एक्स अप्रोचेस टू ए, एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग विदाउट एनी बाउंड और डिक्रीजिंग विदाउट एनी बाउंड, देन एक्स इज इक्वल टू ए इज वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ दैट फंक्शन. ठीक है, नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट? A line y is equal to b is a horizontal asymptote of the graph of function y is equal to f of x if either limit x approaches to infinity f of x is equal to b or limit x approaches to minus infinity f of x is equal to b. That is, y is equal to b is horizontal asymptote if x is increasing without any bound or decreasing without any bound and limit of function is b. अच्छा, ये भी लास्ट एग्जांपल में हमने एक फंक्शन की लिमिट फाइंड की थी. ठीक है, एट इन्फिनिटी, जिसकी आप जब एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं या एक्स को डिक्रीज कर रहे हैं, दोनों पे आपके फंक्शन की लिमिट 5 बाय 3 आई थी. ठीक है, यानी आप लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं या राइट साइड पे मूव कर रहे हैं, आपका फंक्शन y 5 बाय 3 को अप्रोच कर रहा है. सो y इज इक्वल टू 5 बाय 3 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ दैट फंक्शन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, वो लाइन जिसके साथ साथ आपका फंक्शन इंक्रीज करता जा रहा है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा, सो दैट लाइन इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ दैट फंक्शन. अच्छा, अगर आप इस फंक्शन को देखें, ठीक है, इस फंक्शन में आप जब
इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी एक्स को डिक्रीज कर रहे हैं, तब भी आपका फंक्शन जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू जीरो, सो हेयर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इज एक्स एक्सिस। सेम इज द केस विद 1/x, यहाँ पे भी जब आप इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं आपका फंक्शन जीरो को अप्रोच कर रहा है, जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका फंक्शन जीरो को अप्रोच कर रहा है। सो इन दोनों फंक्शन के लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस है, दैट इज वाई इज इक्वल टू जीरो।